हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस के क्वेश्चन पेपर को। सेट है हमारा ए। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टू, संसार में सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती हैं? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू गिनी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, बोरा साइबेरिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में कौन सा कायांत्रित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन, कौन सा पठार अरावली व विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टेन, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आप सभी को इसका आंसर पता है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, क्यूबा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी रही है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी जो है वो सतलुज की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपेन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सी परत सममंडल में नहीं है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पिट्सबर्ग है? आंसर होगा हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा हमारा, आप सभी को पता है, बेतवा नदी जो है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, HVG प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं एक बार। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्न में कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का अंग नहीं है? लक्षद्वीप, इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है, तिलंचोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्न में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है,
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। उत्तराखंड कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? क्वेश्चन नंबर 21 के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई थी? इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। गोविंद राष्ट्रीय पार्क शामिल हैं, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रुड़की। अगला क्वेश्चन है हमारा, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपोष्ण कटिबंधीय वनों में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव किस अवधि के दौरान पूरे किए जाएंगे? तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 6 मंथ के अंदर जो है ये इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल जो अधिनियम है इसके प्रावधान मौजूद हैं? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, राज्यसभा से इसके सदस्य लिए जाते हैं 7, टोटल जो है वो 22 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिनियम में की गई है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिनिवेशन 1929 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय जनगण का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है 24 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर, इसका प्रथम उपराज्यपाल कौन था? तो इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं तीनों सेनाओं की सेवाओं में विषय में जो है किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो ये आंसर होगा हमारा जो रक्षा मंत्री हैं भारत के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना कब हुई है? इसके लिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1919 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। संपत्ति का अधिकार कौन सी श्रेणी में शामिल है? आप सभी को पता है जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें 7 मौलिक अधिकार शामिल थे, जिसमें एक जो था संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन इसे संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया और इसे अब वर्तमान समय कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त है 300A अनुच्छेद के अंतर्गत। 300A जो है कानूनी अधिकार है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भारत के, नहीं ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा भारत के गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। इसमें हमें मिलान करना है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, सार्क जो है दक्षेश शिखर सम्मेलन भारत में सबसे पहले कब आयोजित किया गया था? तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है 1986 बेंगलुरु में जो है ये सार्क का सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39।
कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 102वां संवैधानिक संशोधन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं कि प्रमुख नाभिकीय नीति जो है वो अपनाते समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित तिथियों में किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस यानी कि सिविल सर्विस डे जो है वो कब मनाया जाता है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 21 अप्रैल को सिविल सेवक जो डे है ये मनाया जाता है, सिविल सर्विस डे। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1981 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या जो है वो न्यूनतम थी? आंसर होगा हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है 1977 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई जो है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये संसद की कार्यवाही में इन्हें भाग लेने का अधिकार जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल की तो इनके लिए अनुच्छेद जो है वो भारतीय संविधान में 76 जो है वो वर्णित हैं। इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सदन में जो है ये कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वहाँ पर स्पीच दे सकते हैं, लेकिन वोटिंग का राइट जो है इन्हें नहीं दिया गया है। अगर हम बात करें राज्य स्तर पर राज्य के न्यायवादी की तो वो होंगे जो है अनुच्छेद है उनके लिए हमारा 165। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम जो है ये किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 2006 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में उत्तराखंड का वह मुख्यमंत्री कौन सा था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो बनाने की घोषणा की थी? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल में निम्न में किस कमिश्नर ने राजस्व प्रणाली जो है वो स्टार्ट की थी? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, हेनरी रैमजे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। उत्तराखंड में कितनी लोकसभा जो सांसद हैं वो निर्वाचित होते हैं? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, 5। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। टोबिन टैक्स लगाया जाता है, इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी विनिमय लेन देन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को विनियमित करता है, इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्न में से क्या शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, लैंगिक असमानता को कम करना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके बारे में क्या सही है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है हमें? तो एग्जैक्ट जो है ये इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में है? आंसर होगा हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है,
मुद्रा की मूल्य वृद्धि सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 59, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ है। इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, जीडीपी में कृषि का जो हिस्सा है वो बढ़ा है और इसके साथ ही विदेशी विनिमय जो कोष है इसमें वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, स्वेट इक्वालिटी शेयर्स जो हैं निम्न में से किसे आवंटित किए जाते हैं। इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, कंपनी के कर्मचारियों को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, गेहूं चावल और दालें, ये तीनों जो हैं इनकी वृद्धि उत्पादन को जो है बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, अधोगामी जो है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है। इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, छठी योजना जो है ये रोलिंग प्लान के नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में कौन सा कथन सही है। इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, ये दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है। इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत ब्रांड एवं स्टॉक का क्रय। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, विश्व व्यापार संगठन जो है इसकी सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके, तो एक रीज़न बताना है हमें। इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत जो है वो हुई है। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, 2007। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक क्या है। इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, 131 जो है इंडिया की रैंक रही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किस वर्ष एमएसएमई का वर्गीकरण जो है वो किया गया था। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, 2020 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सी गिल्ट एंड सिक्योरिटीज़ जो हैं कहलाती हैं। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, सरकारी प्रतिभूतियाँ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण संबंधित हैं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जो है निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया। जीएसटी के द्वारा किस कर को जो है वो समाप्त किया गया, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, मूल्य संवर्धित कर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75,
उत्तराखंड में वेट किस वर्ष स्टार्ट किया गया? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 2005 में इसे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था? इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या तथा वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो क्षेत्रीय बैंक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। अनुवांशिकी विज्ञान यानी कि जेनेटिक्स के जनक जो हैं वो किसे माना जाता है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ग्रेगर मेंडल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। रामसर स्थल क्या है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकमिलन को। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 81। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है यानी कि COP26 का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF यानी कि प्रकृति हेतु विश्व व्यापक कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी महाकाय पांडा जो है वो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है कौन सा है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत रत्न है, और उसके बाद अगर हम बात करें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। सुदूर संवेदन तकनीक में किसका प्रयोग किया जाता है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय तरंगों का। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा झूम क्या है? तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खेती की एक पद्धति है झूम कृषि। आपने नाम भी सुना होगा इसका, पढ़ा तो ज़रूरी होगा बुक्स में, NCERT में बहुत बार इसका जिक्र आता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है वह कहलाता है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है चालक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 87। प्रकाश की गति अधिकतम होती है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है केंचुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर होगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा। पशुओं के कृत्रिम गर्भधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं में संग्रहित किया जाता है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तरल नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेलुलोज संबंधित है? आंसर होगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए शर्करा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। अनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु हैं? आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इकोटोन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। यदि कोई एक इनपुट हाई वे आउटपुट है तो गेट जो है वो क्या होगा? तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
OR गेट। आगे देखते हैं हम, ये क्वेश्चन मोस्टली जो है साइंस के हैं। क्वेश्चन नंबर 99 को डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार। उत्तराखंड में मैथी आंदोलन के जनक कौन हैं? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है कल्याण सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है ने एक डॉपलर वेदर रडार जो है वो इसे स्थापित किया है? इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है मुक्तेश्वर में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 1906 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हिमालयी कस्तूरी मृग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुरांश। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। निम्न में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है मारिया रेसा वेदामित्री मुरातोव। आप सभी के लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी रूस यूक्रेन जो विवाद चल रहा है इसके संघर्ष के चलते किसने अपना जो ये अपना नोबेल शांति पुरस्कार जो 2021 मिला है इसे लौटाने की बात कही है, किसने इसे लौटा दिया गया है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे देखते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा 105। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला भारतीय जो है वो कौन है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब प्रदान किया गया? आंसर होगा हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है 2001 में जो है लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी न्यू जलपाईगुड़ी से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। द वर्ल्ड गिनीज विनीत हिज फिट किसकी जीवनी है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइटिंग विद फायर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार जो नीति है 2.0 इसे स्टार्ट किया था? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है गुजरात ने। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर जो सीमांत रेलवे है इसके द्वारा कौन सी अनूठी रणनीति जो है वो अपनाई गई जिसे नाम दिया गया है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि प्लान बी जो है ये स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता? आंसर हो जाएगा इसके हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है नादिर बेग। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है 16 सितंबर को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पत्र जो है समाचार पत्र हैं इसमें किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा में श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? आंसर होगा हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो है द न्यूयॉर्क टाइम्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो इसमें खिलाड़ी के नाम दे रखे हैं और टोक्यो ओलंपिक में जो है इनकी स्थिति दे रखी है कि किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जो है वो जीता था। इस क्वेश्चन के लिए हमें आंसर देना है, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा जो गलत सम्मिलित यहाँ पर किया गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है बजरंग पुनिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो कहाँ पर की गई है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है मेरठ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2020 में किस गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम जो है 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है नागालैंड को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र में सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रानी कमलावती रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी जो कंपनियां हैं इनके सूची जो है इनका मिलान करना है हमें। चलिए देखते हैं, गूगल के सीईओ जो हैं ये बताने हमें, माइक्रोसॉफ्ट के तो आप सभी को पता है, जो ट्विटर के सीईओ और एडोबे जो हैं इनके सीईओ कौन हैं, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला आप सभी को पता है, ट्विटर के सीईओ जो हैं ये पराग अग्रवाल ही, और ये जो क्वेश्चन है हमारा इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो सत्य नडेला और सुंदर पिचोई जो है इन्हें वर्तमान समय भी किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसे भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 120, नवंबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास किया जो कि कहां पर स्थित है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि जेवर यानी कि उत्तर प्रदेश में ये जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 121, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ये 2022 को जीता है। आंसर है हमारा इसके लिए द पावर ऑफ द डॉग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123, इसमें भी हमें राज्य से संबंधित नृत्य जो हैं उनका बताना है, इसके लिए आप सभी जो हैं ये कनेक्ट कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश का जो है कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये कुचिपुड़ी हो जाएगा, केरल का मोहिनी अट्टम हो जाएगा, तो इस टाइप से जो है आप इन्हें करके ईजिली इनका आंसर बता सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 124, ऋग्वेद की सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं। आंसर हो जाएगा हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो है इंद्र को जो है सर्वाधिक ऋग्वेद में जो है ये समर्पित हैं। अगर हम बात करें ऋग्वेद की तो इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में जो हैं वो 250 से अधिक जो हैं वो समर्पित किए गए हैं इंद्रदेव को, और अग्नि की अगर हम बात करें तो इन्हें 200 से अधिक ऋचाएँ जो हैं ये समर्पित की गई हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है प्रियदर्शिका, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका ये सभी पुस्तकें जो हैं महाराजा हर्षवर्धन के द्वारा रचित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्र जो देवी हैं इससे संबंधित हैं। इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो काकतीय वंश।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 128, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है गणितज्ञ। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर अभी एग्जैक्ट हम आपको नहीं बता सकते, हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 130, गधैया क्या था, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है व्यापार कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सॉरी ये गलती से मैंने ये क्वेश्चन बोल दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 131 की अगर हम बात करें तो ये गधैया जो था ये एक सिक्का था, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 130 हमारा रह गया था बीच में, शक शत्रक काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा 1:35। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 132, उदयनशील जो है ये किस वंश से संबंधित था, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है चेरवंशी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है कृष्ण प्रथम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 134, मौर्य काल में प्रणयम क्या था, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है प्रेम विवाह। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश नागभट द्वितीय को हराया था, इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है गोविंद तृतीय को। हजार दिनारे के नाम से किसे जाना जाता था, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है मलिक काफूर को, क्योंकि इन्हें 1,000 दिनार में ख़रीदा गया था, इसी वजह से जो है मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, जैसा कि आप सभी को पता है यल्दौज, गुबाचा ये सभी जो हैं ये इल्तुतमिश के उस टाइम पर जो हैं वो प्रतिद्वंदी थे, इसके लिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 138, विजयनगर काल में दक्षिण भारत के किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतुह जो नामक बुक है इसकी रचना की है, इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है महाबत खान। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन में पेंथिक लॉरेंस जो थे वो इसके हेड थे, अलेक्जेंडर भी इसमें शामिल थे, और जो स्टफर्ड क्रिस्प हैं जो ये भी इसमें शामिल थे, इसके साथ ही जो है साइमन कमीशन तो अलग से आया था 1927 में, तो साइमन जो थे वो इसके मेंबर नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 142, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने स्टार्ट किया, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो ने। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 143, गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान जो है वो ये शहीद हुए हैं, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 144, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोइर्थ किस भाषा में जो है ये लिखी गई थी, तो ये लिखी गई है फारसी भाषा में, बाद में इसका इंग्लिश में अनुवाद जो है वो किया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 145, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है कोसानी में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 146, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य के राजा कौन थे, आंसर हो जाएगा हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो है मानवेंद्र शाह जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 147, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे, आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है फतेह शाह।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 148, कालू मेहरा संबंधित हैं। आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 1857 के रिवॉल्यूशन से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बाबरनामा। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट, विषुवत जो रेखा है निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती हैं। आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है मेक्सिको से नहीं गुजरती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।